हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू गेम ऑफ इनिंग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे WWE सुपरस्टार की जिन्होंने अभी हाल ही में US टाइटल जीता, बट जीतने के बाद वो उसे रिंग में छोड़कर चले गए। समझ तो आप गए होंगे, तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने क्लैश ऑफ चैंपियंस के बाद देखा था कि डॉल्फ जिगलर ने US टाइटल जीता और जीतने के बाद स्मैकडाउन में उन्होंने एक तगड़ा सा प्रोमो दिया और उस टाइटल को वहीं रिंग में रख के चले गए थे। इसके बाद तरह तरह की बातें हो रही थी कि डॉल्फ जिगलर ने ऐसा क्यों करा। अब क्यों करा इसका खुलासा तो अब तक हुआ नहीं है, बस सोचा जा रहा है कि उन्होंने ऐसा क्यों करा। आपको बता दूं, इसके बाद डॉल्फ जिगलर स्मैकडाउन के एक लाइव इवेंट में भी नजर आए थे, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं लग रहा है कि वो WWE छोड़ चुके हैं। वैसे सोचने वाली बात है कि डॉल्फ जिगलर, जिनकी अनदेखी WWE काफी टाइम से कर रही थी, और वो टाइटल जीतने के बाद ऐसा कैसे करके चले गए। हो सकता है इसके पीछे WWE की कोई स्टोरी लाइन हो या डॉल्फ जिगलर का कोई पर्सनल मैटर। तो अब आपको बता दूं कि डॉल्फ जिगलर की वापसी पे रूमर्स आ रहे हैं कि वो आने वाले बड़े PPV रॉयल रंबल में सरप्राइज एंट्री मार सकते हैं और अपनी एंट्री से फैंस को चौंका सकते हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि अगर डॉल्फ जिगलर रॉयल रंबल में नहीं दिखाई देते हैं तो वो रॉयल रंबल के बाद होने वाली स्मैकडाउन में वापसी करते दिख सकते हैं। डॉल्फ जिगलर का टाइटल छोड़कर जाने के पीछे क्या स्टोरी है, ये तो फैंस काफी टाइम से जानना चाह रहे हैं। डॉल्फ जिगलर अगर रॉयल रंबल में वापसी करते हैं तो आपको बता दूं, रॉयल रंबल में भी यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल का फाइनल मैच होना है, और अगर डॉल्फ जिगलर रॉयल रंबल मैच में एंट्री मारते हैं तो वो मैच में बड़ी पिक्चर में नजर आ सकते हैं। अब तो ये डॉल्फ जिगलर की वापसी के बाद ही पता चलेगा कि आखिर उन्होंने टाइटल के साथ ऐसा क्यों करा। तो फ्रेंड्स, ये थी डॉल्फ जिगलर की वापसी पे अपडेट्स। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर तो बनता है। इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स हिंदी में पाने के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन पे शो ऑफ कर दो यार, और सब्सक्राइब करो और जुड़ो गेम ऑफ इनिंग से। थैंक यू।